हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि डेडास ब्लॉग। कैसे हो आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जैसे कि आप देख चुके हैं, अब पता चल गया होगा कि आज मेरी वीडियो है मेरे डाइट चार्ट के बारे में, जिससे मैंने अपना वेट लूज़ किया था। जब मेरी बेटा हुआ था, मेरा बेटा सी सेक्शन सर्जरी से हुआ था, तो उसके बाद मैंने वेट काफ़ी गेन कर लिया था। 6 मंथ रेस्ट पर रही थी तो मेरा 86 kg वेट हो गया था। उसके बाद मैंने रिड्यूस करा, 3 मंथ्स में मेरा ऑलमोस्ट 65 kg हो गया था वेट। बट फिर मैंने और 3 मंथ्स मेहनत करी तो मेरा वेट 58 तक पहुंच गया था। मतलब मोस्टली 65 तक मैं काफ़ी स्लिम हो गई थी, पहले जैसे लुक आ गया था मेरा। पर फिर मेरे को और वेट लूज करना था, पर वो बाय चांस ऐसा हो गया, थोड़ा ज़्यादा लूज हो गया था। क्योंकि एक तो मैं बेबी को फीडिंग कराती थी और दूसरा काम करते घर में, पहले मैं इधर नहीं रहती थी, अलग रहती थी फैमिली, तो वहाँ पे मेरे बेटे का काम था, मेरा काम था, तो उसकी वजह से मेरा वेट थोड़ा सा और कम हो गया था। तो मैं 58 तक पहुँच गई थी। फिर मैंने अभी वापस थोड़ा सा गेन किया है, तो अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। जैसे कि अभी मेरा, आप रिसेंटली मुझे देख रहे हैं और इन पिक्स में आप देखेंगे तो मैं बहुत चेंज आ गया है, ठीक है। और मेरा बेटा 5 साल का होने वाला है, और उस टाइम से मैंने अब तक मेरा वेट उतना ही है जितना मैंने छोड़ा था। तो मैं आपको वो डाइट चार्ट बताऊंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ आपका इसे 1 या 2 महीने के लिए वेट कम होगा, आप वापस उतने ही हो जाएंगे। आपका ऐसा डाइट चार्ट बताऊंगी कि आपको भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत तो हर किसी में लगती है, उतनी तो आपको करनी ही पड़ेगी आपका भी, और वापस आपका वेट नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था, अपना टाइम बता देती हूँ, फिर मैं आपको डाइट चार्ट बताऊंगी और फिर बता दूंगी मेंटेन कैसे करना है उसको। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए मैं बताती हूँ आपके लिए। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि उसके लिए मैंने अपना 5 साल हो गए मेरे को छोड़े हुए, और अब मैं बहुत चीज़ों की हैबिचुअल हो चुकी हूँ, जैसे कि ठीक है। तो वापस से वो याद करना कि मैंने उस टाइम पे क्या किया था, कैसे किया था, क्या क्या खाती थी। अभी वो सब नहीं खाती, अब तो नॉर्मल जो खाना होता है वो सब खाते हैं हम, कभी हैवी, कभी हेल्दी, कभी अनहेल्दी, सब चलता है मिक्स। पर कैसे मेंटेन करना है वो वापस हम मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, पर मैं वो बताऊंगी कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था, पहले मेरे जब बेटा हुआ था तो मैं किसी भी टाइम सोती थी, 12-1 बजे दिन में सोकर उठती थी, क्योंकि बेबी छोटा था, उसको फीड कराना, रात भर जगती थी, ठीक है। और रात भर मैं कितनी बार खाती थी उठ के मुझे भी नहीं पता, कभी भी दूध पी लिया, कभी भी मैं रात के 2-2, 3-3 बजे भी दूध पी लेती थी, या गर्मियाँ थी तो मन करता जो भी मतलब खा लेती थी, कभी लड्डू खा लिया या कोई फ्रूट खा लिया कुछ भी काट के, कभी कभी तो मैं दोबारा रोटी सब्जी भी दोबारा खा लेती थी, भूख लग जाती थी। भूख कुछ नहीं थी, वो माइंड का था कि हाँ मैं बेबी को फीड करा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे ये है। तो उस टाइप से मैंने अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी, या फिर बोलो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, मैंने 6 मंथ में ऑलमोस्ट 28 kg वेट लूज़ किया था, ठीक है। और ये पूरा डाइट चार्ट था उसका, तो आज आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कि मैंने कैसे खाया, क्या खाया। तो वीडियो पूरा देखना, और वीडियो कैसी लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सिर्फ मुझे आपकी मोटिवेशन चाहिए, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट कर दिया करिए। ऐसा नहीं है कि मैंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने पहले इसे ही स्टार्ट किया था वेट लूज़ के लिए, तो उसे भी 1-1.5 महीना हो गया, और उसमें भी काफ़ी लोगों ने अच्छे रिजल्ट पाए हैं, उनका वेट लूज़ हो गया है। मुझे इंस्टा पे काफ़ी मैसेज करती हैं कि उसकी वजह से हुआ है, बट बहुत अभी भी मैसेज करती कि कैसे किया वो बताइए। तो जो अभी आए हैं मुझसे जुड़े हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, और जो आज ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें आपको काफ़ी वेट लॉस की टिप्स मिलेंगी। डाइट चार्ट मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो कमेंट ज़रूर करना, और जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना। जो आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको मिल जाएगी। तो ये मेरा पूरा डाइट चार्ट है जो मैंने आपके लिए बनाया है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने अपने हेल्दी लाइफ स्टार्ट करने के लिए, मैंने लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, मैंने मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू करा और रात को जल्दी सोना शुरू करा। चाहे मुझे कुछ दिन प्रॉब्लम हुई, भूख लग रही थी, बेबी को फीड करा, पर मैंने नहीं खाया। पहले मैंने यहाँ से माइंड सेट करा कि मुझे रात को नहीं खाना है, उठ उठ के मैं बेबी को फीड कराया, उस टाइम मैं सो गई हूँ, ठीक है। अपने आप को दिन में इतना बिजी किया, थकाया कि मैं रात को आराम से सो सकूँ। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर आप उठते हैं मॉर्निंग में जल्दी तो वेरी गुड, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मुझे काफ़ी टफ हुआ था, क्योंकि मैं रात को किसी भी टाइम सोती थी, किसी भी टाइम। तो मैंने सुबह 6 बजे उठना स्टार्ट करा था, हस्बैंड ऑफिस जाते थे, उनके लिए लंच प्रिपेयर करना, फिर अपने लिए थोड़ा अलग बनाना, उनके लिए तो नॉर्मल जा रहा है। तो उसी टाइप से मैं कुछ ऐसे भी प्लान कर लेती थी कि दोनों के काम भी आ जाए, उनको भी लंच में दे दूँ या मेरे भी,
तो चलिए मैं बताती हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर हम अपना डाइट स्टार्ट करते हैं सुबह 6 बजे से, तो 6 बजे से मैंने अपनी स्टार्ट करी है, उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। सुबह 6 बजे मैं उठती हूँ, तो 6 बजे मैंने लिया है पहले जीरा वाटर, और उसका मैंने बताया हुआ वो कैसे लेना है, वो मेरे फर्स्ट ब्लॉग में है, आप देख सकते हैं उसमें, और जिनको पता है तो वो जीरा वाटर लेंगे। उसके साथ अब आपको क्या लेना है, एक कच्चा लहसुन, ठीक है, उसको आपको जिस टैबलेट की तरह निगलना है, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है, और कई ऐसी बीमारियां हैं जो आपको नहीं होंगी, और आजकल तो आपको पता ही है इतनी बेकार बीमारी कोरोना चली हुई है, तो उसके लिए तो हमें इम्यूनिटी वैसे भी स्ट्रांग करनी ही है। तो अभी मैं बताऊंगी, जीरा वाटर या मेथी का पानी या जीरे का पानी या फिर गर्म पानी, नींबू पानी, कुछ भी आपने सुबह उठते ही पानी लेना है। उसके साथ एक लहसुन की कली कच्ची वो लेनी है, बस निगलनी है, उसको चबाना नहीं है। चबा सकते हैं तो ठीक है, पर मेरे को नहीं चबाई जाती ना, तो डायरेक्ट उसको निगल लेती हूँ। वो बहुत अच्छी है और वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप लौंग लहसुन खाते हैं अपने खाने में तो आप उसको ज़रूर ले सकते हैं। और तो फिर उसके बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज कुछ देर, जितनी देर होती है, पर उस टाइम पे मैं कम से कम 45 मिनट या एक घंटे अपनी थोड़ी देर एक्सरसाइज करती थी, कुछ योगा करती थी पेट के लिए, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है, उसके बाद वो वापस अंदर नहीं जाता, ठीक है। अगर आप सिर्फ वॉक करेंगे या कुछ करेंगे तो बॉडी पतली हो जाती है, पेट वापस रह जाता है, टमी काफ़ी निकला रह जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो बेड पे लेट के साइकिलिंग करते हैं, मैं वही करती थी, बेड पे लेटती थी और पैरों को ऐसे चलाती थी साइकिलिंग वाला, उससे पेट पे बहुत असर पड़ता है, थाइस पतली होती हैं, और कुछ एक दो एक्सरसाइज मैंने अपने ब्लॉग में दिखाई हुई है, वो पैरों को स्ट्रेच करने वाली है, उससे थाइस पतली हुई थी मेरी, पेट पे असर पड़ा था। तो पेट को कम करने की भी साथ साथ मैंने एक्सरसाइज करी। बाकी दिन में मैं वॉक करती थी, वॉक मैंने काफ़ी करी है, ठीक है, उससे वॉक से तो पूरे दिन मतलब पूरी बॉडी टोन होगी, पर लेकिन सिर्फ वॉक से इतना नहीं हो पाता, ये नहीं हो पा रही है, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, योगा नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अपने ही रूम में, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, रूम में अपने टीवी पर गाने चलाइए, डांस करिए, सिर्फ एक घंटे अच्छे से डांस कर लीजिए, इतना डांस करना है कि पूरी बॉडी से स्वेटिंग हो, ठीक है, उतना डांस करिए। कभी मैं ये करती थी, कभी मैंने स्किपिंग भी करी है, रस्सी कूदी है, खूब डांस करा है, साइकिलिंग भी कर ली थी, घर पर साइकिल थी तो साइकिलिंग कर ली, या फिर लेट के साइकिल कर ली बेड पर, मतलब कुछ भी एक्सरसाइज आपको करनी है, एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी है सुबह सुबह। सुबह की एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी होती है, और अपना गर्म पानी लेना है, उसके बाद फ्रेश होना, उसके बाद आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, अपना रूटीन बनाना है, ये आपको एक्सरसाइज करनी है। फिर आती है बारी, उसके बाद आपने 15-20 मिनट वेट करना है, आधे घंटे बाद आपने ग्रीन टी ले लेनी है, सुबह सुबह एक ग्रीन टी ले लो। अगर आपने जीरा वाटर वो लिया है तो उसके बाद या तो आप ग्रीन टी लेंगे या फिर नींबू पानी लेंगे गर्म, इन दोनों में से एक चीज़ रखनी है। अगर आप अभी ग्रीन टी ले रहे हैं तो दिन में आपको फिर ब्रेकफास्ट के साथ ग्रीन टी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने अभी नींबू पानी लिया है तो आप ब्रेकफास्ट के साथ ग्रीन टी लेंगे। तो मैं सुबह ग्रीन टी प्रेफर करती थी क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेनी ही होती थी, चाय के बिना तो मेरा थोड़ा हेडेक हो जाता था, चाय मुझे चाहिए थी। तो मैं वो ऑप्शन बता रही हूँ, जो लोग चाय के बिना नहीं रह सकते तो वो सुबह मॉर्निंग में ग्रीन टी ले सकते हैं। और फिर आपने, मैंने नींबू पानी ले लिया, उसको थोड़ी देर बाद मैं ग्रीन टी वो चाय ले लेती थी। चाय में आपने क्या डालना है, अदरक, तुलसी और काली मिर्च, ये चीज़ डालनी है, इलायची डालनी है, गुड़ की चाय लीजिए, चीनी छोड़ देनी है, चीनी नहीं पीनी। गर्मी थी, मैंने जब अपना वेट लॉस स्टार्ट करा था तो गर्मियों से करा था, अप्रैल से, और जुलाई में मेरी सिस्टर के बेटे का बर्थडे आता है और जुलाई तक मेरी बॉडी बहुत मतलब मैं 65 पर पहुंच गई थी, और अगस्त एंड मतलब 1.5 महीने के बाद मेरे बेटे का बर्थडे था, तो तब तक मैंने और भी 5-6 किलो वेट कम कर लिया था। 65 से मैं 60 तक पहुंच गई थी, 59 इतना मेरा वेट हो गया था, और मैंने वेट लूज़ कर लिया था 1.5 महीने में। अगर आपकी बॉडी को हैबिचुअल हो गया ना तो आप बहुत जल्दी जल्दी वेट लॉस करेंगे, और आपका बहुत ज़्यादा वेट है ना तो उनके लिए भी एक ये चीज़ मैंने खुद ने नोट करी है। अभी मुझे अगर मेरा वेट 5 किलो कम करना है सिर्फ अब, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, वो बहुत जल्दी से नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी में 25 किलो 30 किलो ऐसा वेट कम करना है तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी जल्दी वेट रिड्यूस करेगी, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। आप ये सोच रहे हैं मेरा तो 25 किलो वेट है, ज़्यादा है, मुझे तो 60 का होना है, मैं 85 हूँ, या मुझे 55 होना है, मतलब समझ रहे हैं ना, आपको टाइम लगेगा, शुरू में 1 महीना लगेगा, उसके बाद आप खुद देखेंगे आपकी बॉडी कैसे कैसे रिएक्ट करती रहती है, और बहुत अच्छा रिस्पांस करती है अपनी बॉडी के साथ साथ। आपके माइंड को पॉजिटिव रहना, अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आपकी बॉडी भी पॉजिटिव रिजल्ट देगी आपको, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बारी,
सुबह की ग्रीन टी की। तो नाश्ते में आपने क्या खाना है, ब्राउन ब्रेड लेनी है। ब्रेड हमेशा ब्राउन ब्रेड ही लेनी है, चाहे आप सुबह लीजिए या शाम को लीजिए, तो ब्राउन ब्रेड यूज़ करनी है। वाइट ब्रेड बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, बाहर का कोई बन यूज़ नहीं करना और कुछ नहीं। तो ब्राउन ब्रेड में आपने प्याज, टमाटर, खीरा, जो भी सब्जियां हैं, शिमला मिर्च, कुछ भी काट के लगाइए उसको अच्छे से, या तो आप सिंपल उसमें नमक, काली मिर्च डाल के उसको टोस्ट कर दीजिए, या ऐसे ही तवे पे डाल के ले सकते हैं बटर के साथ, वो भी घर का होना चाहिए, बाहर का बटर नहीं होना चाहिए। उसमें आपने लेना, उसमें आप कोई सॉस नहीं लेंगे, पुदीने, हरी हरे धनिए की चटनी, उसमें मिर्च और नींबू, दही, ये डाल के बहुत अच्छी टेस्टी चटनी बनेगी आपकी, बहुत इसको सैंडविच को बहुत अच्छा टेस्टी बनाएगी, ठीक है। या आपको लेना है एग वाइट की ऑमलेट, सिर्फ एग वाइट का पोर्शन ले लीजिए, उसकी ऑमलेट बना लीजिए, एग भुर्जी। तो ये दोनों आपको ऑप्शन एक हफ्ते तक ये कंटिन्यू रखना है, एक दिन सैंडविच या एक दिन ये। मैंने मोस्टली खाया है एग वाइट, तो एग वाइट की ऑमलेट मैंने खूब खाई है, उसमें क्योंकि हस्बैंड के लिए ऑमलेट बना देती थी या कभी सैंडविच, तो वही सेम मैं कंटिन्यू करती थी। अगर उनके लिए म्यूनीज वगैरह लगाई है तो मैं अपनी बिलम म्यूनीज के बनाती थी। फिर आपने एक घंटे बाद आपने लेने हैं फ्रूट्स, अभी जो भी सीजन में है तरबूज वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मौसम बहुत अच्छा है गर्मियाँ, क्योंकि इसमें फ्रूट्स की वैरायटी बहुत है, वेजिटेबल्स की वैरायटी बहुत है, फल सब्जी आप खूब खा सकते हैं। तो तरबूज ले सकते हैं या आप जो चाहें अनार से, कुछ भी अपने पसंद के फ्रूट्स लीजिए, बट आम और केला ये अवॉइड करिए कि आपको नहीं लेने हैं। इसमें खरबूजा भी कम लेना है, जैसे अभी और कोई खट्टे फल हैं, आलू बुखारे वगैरह अगर आ रहे हों, जामुन ले सकते हैं, कुछ भी फल फ्रूट्स हैं जो इनमें विटामिन सी हो ज़्यादा, तो वो लीजिए। एक तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी उससे, ठीक है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कलर कॉम्प्लेक्शन उसके साथ, जैसे आप वेट लॉस करेंगे ना तो आपका कलर फेयर होता जाएगा, क्योंकि जो आप हेल्दी लाइफस्टाइल ले रहे हैं आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं और आपने अच्छा खाना खाया है, विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लिया, जैसे कि नींबू पानी, ग्रीन टी वगैरह, तो इससे आपका कलर और स्किन बहुत अच्छी होगी, आप खुद ये चेंज फील करेंगे अपनी बॉडी में, अपनी स्किन में, ठीक है। फिर आपने लेना है 10 बजे आपने ये फ्रूट्स ले लेने हैं, 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट करना है, तो 10 बजे आपने सुबह फल लेने हैं। और प्लीज़ जैसे मैं डाइट बता रही हूँ प्लीज़ ऐसे करिए, ये नहीं कि स्किप करना है, कुछ टाइम मतलब इसको कंटिन्यू करके देखिए, आपको रिजल्ट तभी मिलेंगे। अगर आप अपने हिसाब से कि भाई बहुत ज़्यादा बता दिया खाने का इतना नहीं होगा, या बहुत कम बताया इतना नहीं होगा, इतना मैंने तो इसी से किया है। एक बात और बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनल डाइटिशियन नहीं हूं, मैंने इस तरह से कराया, और आप लोग मुझसे एडवाइस मांग रहे हो तो मैं अपनी वही एडवाइस दूंगी जिससे मैंने किया है, मैंने जो खाया है, ऐसे नहीं कि मैंने नहीं खाया है मैं कुछ बता रही हूं, या आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी इसमें डाल देंगे या कुछ भी घटा देंगे। रिजल्ट आपको मिल सकता है बाई चांस उस हार्ड डाइटिंग से या आपने कर लिया है, पर उसके बाद जो आपका वेट वापस से गेन होगा या अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फिर ये मत बोलना कि दी आपने बोला था पर मुझे इतना रिजल्ट नहीं आया। तो मैं वो बता रही हूँ कि अपनी बॉडी को उतनी आदत डालिए शुरू से ही कि आप इतना खाएं दिन में, और आपको भूखा भी ना रहना पड़े। ये एक बाउल में वैरायटी रख सकते हैं या कोई एक फ्रूट भी ले सकते हैं, पर फ्रूट डेली का आपको खाना है डेली। फिर आपने 12 बजे अपना लंच कर लेना है। अब मैं लंच बताती हूँ, मेन है ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुबह आपने हल्का खाया है, दिन में आप थोड़ा भारी खाएंगे, रात में फिर हल्का खाएंगे, ठीक है। तो दिन में जो आपको खाना है वो मैं बता देती हूँ। सुबह आपने लेनी है एक रोटी या दो रोटी ले सकते हैं आप, मैंने एक रोटी खाई थी, मेरी डाइट शुरू से थोड़ी कम है तो मैंने एक ही रोटी ली थी, वो भी चोकर होके आटे की, उसमें थोड़ा सा चोकर था, थोड़ा सा आटा था, दोनों मिक्स करके एक रोटी बनानी है। अच्छी रोटी मतलब अपने हिसाब से सब्जी ज़्यादा लेनी है, सब्जी लेनी है आपको तरीदार सब्जी होनी चाहिए, आलू नहीं लेंगे, हरी सब्जी लेंगे, घिया, तोरई, टिंडे, पेठा ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हो आप, और बीन्स ले सकते हो, पनीर भुजी, पनीर वगैरह की सब्जी ले सकते हो, पर बिल्कुल कम ऑयल में बनी हुई, बहुत कम मसालों में, सिर्फ अपने लिए ऐसे बना ली कि नमक मिर्च डाले थोड़े बहुत, हरी मिर्च यूज़ करनी है, लाल मिर्च कम से कम यूज़ करनी है आपको अपने खाने में इस टाइम पे। मैं अभी भी अगर कभी सब्जी बनाती हूँ मोस्टली, तो आपने देखा होगा उसमें मैं ग्रीन मतलब हरी मिर्च ज़्यादा डाल देती हूँ, लाल मिर्च मैं यूज़ नहीं करती, लाल मिर्च सिर्फ कश्मीरी डालती हूँ कलर के लिए, तो हरी मिर्च से फ्लेवर इतना अच्छा आता है, वो डाइजेशन में अच्छी है, तो वही यूज़ करनी है आपको खाने में, वो लेनी है। सोयाबीन भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके 45 मिनट बाद आपको गर्म पानी लेना है, खाना खाते ही कभी भी गर्म पानी ना लें, उसके थोड़ी देर बाद लें, आधे पौने घंटे बाद गर्म पानी लेना है। तो फिर उसके 15 मिनट वेट करके आपने एक घंटे वॉक करनी है दिन में। मैंने जैसे 12 बजे लंच किया तो पौने एक मैंने गर्म पानी पिया, फिर 1 बजे से 2 बजे तक मैंने अपनी वॉक करती थी, ठीक है।
और एक से दो, दो से चार फिर मैं और मेरे बेटे सो जाते थे। 2 घंटे मुझे नींद चाहिए क्योंकि रात में इतना ऐसे हो जाता था ना बेटे, तो 2 से 4 मैं सोती थी। 2 घंटे की नींद ज़रूरी है क्योंकि रात में मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है, किसी की भी जैसे नींद पूरी नहीं हो पाती है। बच्चे के साथ तो आप जानते हैं, अगर बेबी है आपका तो वो नहीं सोने देते, रात भर उन्हें फीड कराना पड़ता है। तो दिन में हम दोनों 2 घंटे नींद लेते थे, इसीलिए मैंने कहा कि सुबह टाइम से उठना ज़रूरी है और रात को टाइम से सोना ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी को रेस्ट मिले। जितना आप सोएंगे अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी उतना पॉजिटिव रिजल्ट देगी, ठीक है। और अगर आपका बेबी नहीं है, आप बेबी प्लान कर रहे हैं, फिर भी आपने रात को टाइम से सोना है और दिन में भी थोड़ी देर रेस्ट लेना है, ताकि आपने सुबह जो एक्सरसाइज करी है या घर के जो काम किए हैं उसके बाद आपकी बॉडी थक गई है वो रेस्ट करें। और उसके बाद जो मैं वॉक करती थी वो काफ़ी तेज़ वॉक करती थी, कि मेरी बॉडी फिर से थके और रात को फिर अच्छी नींद आए। तो ये हो गया। फिर मैं उठती थी 4 बजे, मैंने ग्रीन टी ली, ठीक है, एक मैंने मॉर्निंग में ले ली थी और एक मैं अब इस टाइम ले लेती हूँ ग्रीन टी, या अगर जिस दिन मैं सुबह नहीं होती थी तब मैं कभी रात को ले ली थी, क्योंकि रात को मेरे साथ ऐसा होता था पर्सनली, रात को खाना खा के या कुछ भी खाया मुझे नींद से लेट आती थी, तो मैं अवॉइड करती थी रात को खाने के बाद। बट कुछ लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो रात को भी ले सकते हैं शाम को छोड़ के, पर मुझे रात को नींद नहीं आती थी, इसलिए तो मैं उसको शाम को प्रेफर करती थी कि मैं शाम को पहले ग्रीन टी लूँ, फिर 1 घंटे बाद मैं अपने चाय या फिर 1 ग्लास दूध लेती थी। और दूध के साथ आपने लेना है 2 मैरीगोल्ड बिस्किट लेने हैं, या फिर आपने लेने हैं भुने हुए चने या भुना हुआ रोस्टेड मखाना, ठीक है, या भेलपूरी जो मैंने बताई हुई है पहले भी मेरे ब्लॉग में, वो कुछ भी अगर भूखे हैं आप। और शाम को फिर मैं 5 बजे निकल गई वॉक पे, अपने बेटे को लेके वॉक पे जाती थी। खूब देर मैंने अच्छे से 1.5 घंटे वॉक करी, फिर 7 बजे वापस मैंने लेती थी 1 ग्लास गर्म नींबू पानी, नमक का, मीठा पानी नहीं लेना है, नमक चीनी आपको प्रॉपर अवॉइड करनी है। अगर आपने लेनी है चीनी तो सिर्फ मैंने पहले बताया हुआ था गुड़ लेना है, उसमें चीनी नहीं लेनी है, गुड़ ऐड करिए, देसी खांड ऐड करिए। फिर 8 बजे अपना डिनर करना है, डिनर में आपने लेना है दलिया, या तो आपने दूध वाला दलिया लेना है या फिर सब्जी डाल के वो दलिया ले सकते हैं, या फिर आप मैं के स्पेशल वो आते हैं वो दूध के साथ ले लेती थी, या ओट्स दूध वाले, ठीक है, और सब मैं यही सब डाल के थोड़े बहुत कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अगर आपका बेबी छोटा है, आप फीड करा रहे हैं तो। अगर आपका बेबी छोटा नहीं है या नहीं है तो आपने सिंपल प्लेन फीके ओट्स, फीका दलिया बिना चीनी का वो आपने लेना है, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड ना करें, ये नहीं लेना। दिन में आपने 10 से 12 ग्लास पानी पीना है, खूब पानी पीना है। इसमें बीच में कोशिश करिए, इंक्लूड करिए 3-4 ग्लास गर्म निवाया पानी, जैसे होता है हल्का लुकवार्म वाटर, वो ऐड करना है। और नॉर्मल फिल्टर का पानी लेना है, ठंडा फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं लेना, वो अवॉइड करना है। नॉर्मल आरओ का पानी लीजिए, अभी गर्मी इतनी है तो वो तो नॉर्मली ऐसे रहता ही है, पर थोड़ा सा गर्म करके भी लेना है। और यूज़ करिए कुछ भी चीज़ आप माइक्रोवेव में यूज़ ना करें, गैस पे गर्म करें, चाहे सब्जी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, या ग्रीन टी के लिए पानी कर रहे हैं तो आपने गैस पे ही गर्म करनी है, उसका भी अपना एक अलग ही वो होता है। ग्रीन टी अगर हम गैस पे बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, अकॉर्डिंग टू हम माइक्रो में पानी गर्म कर रहे हैं उसके। ये चीज़ मैंने खुद अपने ऊपर मतलब फील करी है ये चीज़, कि ग्रीन टी उससे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो एक पर्सनल मतलब टिप थी, आप चाहे तो जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, पर कोशिश करिए गैस पे यूज़ करने की, ठीक है। दिन में 2 बार ग्रीन टी लेनी है, 8-10 ग्लास पानी पीना ही पीना है आपको, गर्म पानी लेना है, जंक फूड नहीं खाना, कुछ भी बाहर का, चिप्स, नमकीन, बिस्किट बेकरी वाले, या फिर कुछ भी रस, और बहुत आइटम आते हैं ऐसे, तो आपके कोई भी स्नैक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेना, पापड़, अचार और सॉस, जैम, ये सब आपने बंद करने हैं 3 महीने। और 3 महीने का मैंने तो अभी तक भी ये सब चीज़ें बहुत कम लेती हूँ, और आप देखते हैं ऑलमोस्ट मैं कुकिंग करती हूँ, तो वो चीज़ अगर मेरा मन करता है तो मैं घर पे प्रेफर करती हूँ, बाहर की मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ बाहर से ना खाऊं, घर पे ही बना लेती हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर है। आप कुछ भी बना रहे तो घर पे बनाइए और घर का खाइए, हेल्दी अपने हिसाब से मिर्च मसाले आप डाल सकते हैं, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। ये है आपकी 1 वीक की डाइट, इसमें आपने 1 वीक में ये खाना है। अब बताती हूँ मैं नेक्स्ट वीक, अगर ये हो गया आपका 1 वीक में, तो नेक्स्ट वीक आपने क्या खाना है। सुबह वही मॉर्निंग सुबह 6 बजे उठना है, आपने गर्म पानी लेना है जीरा वाटर लहसुन के साथ, या मेथी का पानी, या गर्म पानी, या नींबू पानी, जो भी आप सुबह लेना चाहते हैं वो ले लीजिए।
उसमें आपने फिर आपको 45 मिनट हमने वॉक करनी है, वॉक के बाद फिर ग्रीन टी लेनी है, ठीक है, ग्रीन टी या फिर ग्रीन टी के साथ नींबू पानी, कुछ भी एक चीज़ दोनों में से एक ऑप्शन रखना ही रखना है। तो आपकी बॉडी में कई ग्लास पानी तो ऐसे भी चला जाता है, सुबह एक कप पानी हो गया, फिर एक ग्रीन टी वाला हो गया। और ब्रेकफास्ट में आपने लेना है वेज पोहा या वेज उपमा, या फिर आपको लेना है वर्मसेली, जो नमकीन जवा बोलते हैं उनको, सेमियां होती हैं वो नमकीन, खूब सारी सब्जी वगैरह डाल के वो आपने लेनी है। तीन ऑप्शन रखने हैं, हफ्ते में दो दो दिन का रिपीट करिए या एक एक दिन रिपीट कर सकते हैं, या आप ये पसंद नहीं है तो आप वो भी कर सकते हैं, या आप इडली सांभर ले सकते हैं सुबह नाश्ते में, ठीक है, या फिर आप पराठा ले सकते हैं, स्टफ पराठा बिना सिका हुआ घी में, नॉर्मल गैस पे तवे पे सेक लीजिए, घर का उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मक्खन लगा सकते हैं चाहो तो। ये आपको ऑप्शन ब्रेकफास्ट में लेने हैं, और इसके साथ आपने लेना है या तो आपने ग्रीन टी लेनी है, पर मैं टी ही लेती थी, ग्रीन टी मेरी सुबह हो गई तो मैं चाय लेती थी, गुड़ वाली चाय, गुड़ डालना है चाय में वो लेनी है। फिर आपको उसके बाद सब वो लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं फिर से नेक्स्ट, ठीक है। लंच में बता देती हूँ आपको, एक रोटी लेनी है या तो मूंग दाल लेनी है, अगर आपने प्रेफर करना है इस वीक में आप दिन में दाल ही खाएं, मूंग दाल या मसूर दाल, जो भी आप दाल खा रहे हैं कोशिश करें कोई हैवी दाल, जैसे दाल मखनी या फिर उड़द चने की दाल अवॉइड करनी है, सिंपल दाल लेनी है नॉर्मल, या खिचड़ी ले सकते हैं आप, ये नहीं ले रहे, और या फिर आपने चावल उबाल लेने हैं, चावल उबाल के उसका सारा वो निकाल देना है स्टार्च, ठीक है, वो उबले हुए चावल हो गए, उसमें आपने सब्जियां मिक्स करके पुलाव बना लेने हैं, वो पुलाव आप ले सकते हैं, ठीक है, वो बहुत टेस्टी लगते हैं, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं लंच में। फिर आपने 4 बजे, फिर मैं 2 घंटे मतलब ये खा के फिर सोना है, फिर 2 घंटे, अगर आप नहीं सो रहे हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सो सकते हैं, मैं अपना बताया था कि मैं उसके बाद 2 घंटे भी सो जाती थी, नहीं सोना कोई और काम है तो वो आप देख सकते हैं। पर फिर उसके बाद 4 बजे आपने ग्रीन टी लेनी है अगेन, 5 बजे फिर मैं एक ग्लास दूध, दूध के साथ भुने हुए चने जो मार्केट से आते हैं नॉर्मल भुने चने लेने हैं, बिना फ्लेवर वगैरह के, किसी मसाले वगैरह के नहीं लेने, सिंपल नॉर्मल भुने चने लेने हैं। फिर 5 से 7 मेरी वॉक होती थी, काफ़ी अच्छी वॉक करके आती थी मैं, ठीक है, तेज़ तेज़ वॉक करनी है, अपनी सोसाइटी में खूब वॉक करती थी, अपने बेटे को प्राइम में डालती थी, तो जैसे ट्रेडमिल पे होती है ना उस टाइप की मेरी वॉक होती थी, वो करनी है। 8 बजे एक बाउल दलिया लेना है तो आपको, या फिर खाली सब्जी लेनी है, ये चीज़ डालनी है। अगर आपसे फीका दलिया नहीं लिया जा रहा बिल्कुल भी, तो आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं मीठे के लिए, ये कर सकते हैं, पर बाकी आप कोशिश करें उसमें चीनी वगैरह बिल्कुल नहीं डालनी। 9 बजे फिर मेरा एक ग्लास दूध होता था, और 10 बजे सोना, ठीक है। तो ये मेरे दूसरे हफ्ते का डाइट चार्ट है, इसी को खाना थोड़ा बोरिंग होगा, पर अभी आपने खाने से ज़्यादा कंसंट्रेट करना है अपने वेट लॉस पे, एक्सरसाइज पे, कि ये खाना सिर्फ ऑप्शन है कि मैं खा रही हूँ, या लोग तो जिंदा रहने के लिए उतना खाते हैं, उतना नहीं, ये ऑप्शन है, आपने ये खाने हैं, जो पिछले हफ्ते बताए ये हफ्ते बताए इनको आपस में आप मिक्स कर सकते हैं, उसमें से कुछ पसंद आ रहा है तो इस हफ्ते ले लीजिए, इस हफ्ते ये, तो ये इस तरह से करिए, पर जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक वीक आपने वो डाइट ली है, एक वीक ये ली है, अलग अलग हो गया है, तो इस तरह से आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीक की मैं बता देती हूँ, या फिर आपने घर पे कुछ हैवी बना लिया है तो मैं उसके बाद बता देती हूँ, ये नॉर्मल हो गए हैं, ये ही ऑप्शन होते हैं डाइट में खाने के लिए। अगर आपने कुछ घर पे हैवी बना लिया या कोई आ गया अभी, आप कहीं जा रहे हैं तो उसके बाद आपने क्या लेना है, सुबह वही अपना गर्म पानी लेना है जीरे वाला, फिर उसके बाद आपने नींबू पानी या फिर एक्सरसाइज करके अपनी ग्रीन टी लेनी है, ठीक है। फिर आपने ब्रेकफास्ट में, इसमें आपका थोड़ा रहेगा, ब्रेकफास्ट में आपको सिर्फ फ्रूट्स लेने हैं, एक बाउल फ्रूट्स लीजिए, और बाउल ऐसे नहीं इतना बड़ा कटोरा भर के ले लिए, थोड़े मतलब छोटा बाउल फ्रूट्स लेने हैं, मिक्स ले सकते हैं, सिंपल एक फ्रूट जैसे कि आप मिड डे में लेते हैं, मतलब मिड मॉर्निंग में लेते हैं, वो फ्रूट्स आपने लेने हैं इस टाइम पे, ठीक है। और जो आप फ्रूट लेते थे उस टाइम पे आपने एक ग्रीन टी एक्स्ट्रा लेनी है उस दिन, अगर आपने कुछ एक दिन पहले कुछ हैवी खाया है तो आपने फ्रूट्स की जगह आपने लेनी है ग्रीन टी। लंच में आपने लेना है सिर्फ सैलेड, या तो आप सैलेड भर के ले लीजिए, सलाद में खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, ये सब डाल लीजिए उसमें थोड़े से, या तो चने उबाल के डाल सकते हो आप भुने, वो चने की सलाद बना सकते हैं, काले चने हो सकते हैं या फिर नॉर्मल जो छोले होते हैं वो, ये आप ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं इनका रायता,
ये दो चीज आपको ऑप्शन में रखनी है, तीन चीज, या तो सिंपल सलाद या फिर वो चने की सलाद या फिर सिर्फ रायता फ्रूट्स का, जो आपको लगे वो आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने गर्म पानी लेना है, 5 बजे आपको दूध या चाय जो भी आप ले रहे हैं, अगर आप चाय ले रहे हैं सुबह या शाम तो मैंने बताया उसमें आपको वो जरूर डालनी है, तुलसी अदरक काली मिर्च इलायची, ये 3-4 चीज जरूर इंक्लूड करनी है उसमें। ये वेट लॉस में इफेक्टिव है और इम्यूनिटी बूस्ट करेंगी आपकी, तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखिए। ये लेने हैं, उसके साथ आपने मखाने लेने हैं भुने हुए, अगर आपके पास मखाने भुने हुए नहीं है तो मार्केट से लाके इनको हल्का सा घी में नॉनस्टिक पैन में रोस्ट करिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक काली मिर्च डाल दीजिए, वो इजीली बन जाएंगे, उन्हें स्टोर करके एयर टाइट में रख सकते हो। फिर 6 बजे आपने ग्रीन टी लेनी है और 2 बिस्किट ले सकते हो साथ में, और 8 बजे आपने 1 बाउल दलिया या ओट्स, ये दोनों में से एक चीज लेनी है बस। ये सिर्फ एक दिन की डाइट है, अगर आपने कुछ एक दिन पहले हैवी खाया है तब के लिए ये हल्का खाना उस दिन हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है यार, चीटिंग डे होता है, चीटिंग तो कर ही सकते हैं, हफ्ते में महीने में एक बार अगर आप डाइटिशियन के पास जाते हैं तो भी वो डाइट मतलब चीटिंग बता देती है, वो तो आपको पिज्ज़ा पास्ता ये भी बता दे सकती हैं कि ये भी ले सकते हो, पर आपने घर का कुछ हैवी खा लिया, कोई ओकेशन हो सकता है तब आपको ये डाइट लेनी है, नॉर्मली अदरवाइज ऐसे नहीं लेने के मुझे ये खाना। नॉर्मली आपने जो बताइए वो रोटी सब्जी पूरा प्रॉपर खाना खाना है, सिर्फ सलाद फ्रूट्स वगैरह जब लेने हैं जब आपकी डाइट हैवी हो गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे की मैं बताती हूँ अगले हफ्ते की फिर से, तो आपने क्या लेना है, सुबह मॉर्निंग में आपने लेना है वही गर्म पानी लेना है, नींबू पानी लेना है जो भी, फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर आपने अपनी ग्रीन टी लेनी है, फिर आपको सुबह ब्रेकफास्ट में लेना है या तो आपने बेसन का चीला कि जिसमें आपकी खूब सारी सब्जी हो, प्याज टमाटर अदरक डाल सकते हैं, हरी मिर्च शिमला मिर्च जो भी आपको अच्छी लगे वो वेजिटेबल्स आप उसमें डाल सकते हैं, मटर वगैरह डाल के, और शिमला मिर्च कई तरह की आती हैं सारे कलरफुल डाल सकते हो, ये डालनी है, या फिर आपने वो पीली वाली मटर आती है सूखी जो छोले कुलचे वाली मटर होती है वो वाले मटर ले सकते हो आप उसके साथ, उसे उबाल के नॉर्मली प्याज टमाटर डाल के, मेरी रेसिपी भी है उसकी तो आप वो ले सकते हो। उसके साथ में आपने 2 स्लाइस ब्रेड की लेनी है, या फिर आपने ये चीला लेना है बेसन का, या आपने स्टफ रोटी लेनी है सुबह, या सैंडविच ले सकते हो इस हफ्ते, या एग भुजी ले सकते हो, पोहा उपमा इडली बहुत ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आपने ये सब लेना है बना के सुबह ब्रेकफास्ट में इस हफ्ते, मतलब आपको 2-3 हफ्ते की डाइट बता, तीसरे हफ्ते की डाइट है। लंच में आपने लेनी है, अगर आपने ब्रेकफास्ट में नहीं लिया है तो लंच में आप कोशिश करिए आप स्टफ रोटी ले लें एक प्याज की, वो बहुत अच्छी रहेगी, और साथ में एक कटोरी दही या रायता मिक्स वेज का वो ले सकते हो, या सिंपल रोटी सब्जी ले लीजिए और वेज एक रायता, सब्जी ज़्यादा लीजिए रोटी थोड़ी कम, या सिंपल आपने सब्जी लेनी है, अगर वेज रायता ले रहे हो तो सिर्फ सब्जी और मिक्स बाउल एक रायता लेना है, ये चीज़ कंबाइन करनी है। मैंने कई बार बताया भी है कि इस तरह से आप अपनी डाइट को कंबाइन कर सकते हैं, मतलब मिक्स कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ ले लिया यहाँ से कुछ ले लिया, कई बार मूड नहीं होता है या कई बार मन होता है कुछ ज़्यादा खाने का तो इस तरह से कर लीजिए, अगर भूख ज़्यादा है तो आप बीच में ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए लंच ही हैवी होना चाहिए सुबह आपका, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं लंच हैवी कर सकते हैं, डिनर आपको हल्का करना है बस। अगर आपने सुबह ये खाया है तो फिर उसके बाद आपने शाम को 5 बजे पपाया लेना है, एक पपीता ले सकते हैं या तरबूज ले सकते हैं शाम के टाइम, इवनिंग में, सुबह आपने अगर फ्रूट्स नहीं लिए हैं तो आप शाम को कर सकते हैं ग्रीन टी की जगह, चाय की जगह कभी कभी आप इवनिंग में कर सकते हैं, ठीक है। और रात को आपने फिर वही वेज का दलिया सब्जियों का दलिया ले सकते हैं, या फिर हल्की खिचड़ी, या फिर आप वो ले सकते हैं ओट्स, ये तीन चीज़ आप ले सकते हैं, वेज ओट्स वेज दलिया या फिर खिचड़ी, ये तीनों चीज़ आपको डिनर में लेनी है। अब कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं या जिनका अभी मतलब उनके लिए मैं बता दूं, 6 बजे आपने लेना है सुबह पानी, आपके लिए भी यही सेम डाइट है, और भीगे हुए बादाम ले सकते हैं, किसी ने पूछा था कि दूध ले सकते हैं, दूध नहीं लेना आपने सुबह, बादाम ले सकते हो, 2 अखरोट ले सकते हो एक्सरसाइज करने से पहले, वर्कआउट करने से पहले, ठीक है। फिर आपने एक्सरसाइज करनी है, फिर आप, और जो लोग सुबह लहसुन नहीं लेते, जिनको अभी तक तो मैंने लहसुन बताया था, जो लोग लहसुन नहीं लेते तो उनको क्या लेना है अपनी डाइट में,
ड्राई फ्रूट जरूर ऐड करने हैं तो आप लहसुन की जगह सुबह सुबह 5 बादाम, सुबह गर्म पानी के साथ 5 बादाम और 2 भीगे हुए अखरोट जरूर लें, अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। दिन में आपको जब भी भूख लगे इसके अलावा तो आप ड्राई फ्रूट भीगे हुए, मतलब भिगो के छोड़ दीजिए, डेली का रूटीन होना चाहिए। भीगे हुए बादाम जब भी भूख लगे, बादाम या अखरोट आपको खाने ही हैं, तो आपको सुबह लेने हैं। फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर 7 मतलब अगर आपने 6 बजे उठे हैं और 8 बजे फिर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट में आप पोहा उपमा ये चीज़ ले सकते हैं। फिर 10 बजे आपने लेने हैं मौसम के अपने कोई भी अकॉर्डिंग टू, अभी जैसे तरबूज ये फ्रूट्स लेने हैं, फिर आपने 1 घंटा पहले खाना खाने से पहले सैलड ले लीजिए, ठीक है, फ्रूट्स के बाद। फिर आपने लंच में 2 रोटी हरी सब्जी लेनी है और दही लेनी है या लस्सी ले सकते हैं, नमक डाल के काले और वो काला नमक और जीरा भुना हुआ ये डाल के। फिर आपने 5 बजे 6 बजे जब भी आपका शाम का इवनिंग का टाइम है तो आपने ग्रीन टी लेनी है, मखाने लेने हैं साथ में। डिनर में आपने लेना है सिर्फ सूप, टमाटर का ले सकते हैं घर पे बनाइए, पालक का, या सारी सब्जियों को मिक्स करके बना सकते हो, या फिर आपने लेना है सिर्फ तरीदार सब्जी जैसे तोरई हो गई, घिया हो गया, तरीदार नीचे, दाल नहीं लेने दें आपने डिनर में। कोशिश करिए कभी डिनर में दाल ना लें, लंच में हमेशा दाल करनी है। और 9 बजे आपने एक बिल्कुल बिना लो फैट, बिना मलाई वलाई के, और वैसे भी स्किम मिल्क यूज़ करना है आपको, 9 बजे वो दूध यूज़ कर पी के सोना है। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 1 घंटा पहले आपको दूध ले लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक क्या करना है आपने, वही सुबह गर्म पानी, फिर वही 5 भीगे हुए बादाम या फिर अखरोट ये लेने हैं, या आप लहसुन ले सकते हैं और इनको आप इंक्लूड करिए। अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो उसके साथ आपने ड्राई फ्रूट जरूर लेने हैं। पनीर सैंडविच लेनी है, पनीर को भुजी बना सकते हैं, उसके साथ प्याज वगैरह डालिए उसमें, अच्छे से हरी मिर्च डालिए, अदरक लहसुन डाल सकते हैं, मतलब ऑयली कम हो वो पनीर और हेल्दी ज़्यादा हो उस टाइप की, उसमें बना के फिलिंग बना के उसकी सैंडविच ले सकते हो। फिर आपने फ्रूट्स लेने हैं 2 घंटे बाद, फिर 1 घंटे लंच से 1 घंटे पहले आपने सैलड कर खानी है, ठीक है। फिर आपने अगर आज आपके लंच में राजमा चावल या कढ़ी चावल हैं तो आपने वो भी ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली घरों में बन ही जाता है, ठीक है। अगर आपके घर में ये बन रहा है कढ़ी चावल वगैरह है तो आप सुबह कोशिश करिए पनीर की कोई डाइट ले लीजिए। शाम को गर्म पानी लेना है, सो के अगर उठे हैं तो गर्म पानी। फिर उसके 1 घंटे बाद आपने लेना है ग्रीन टी, मुरमुरे, नींबू पानी, नारियल पानी। नारियल पानी बहुत ज़रूरी है, नारियल पानी लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये वेट लॉस में काफ़ी अच्छा है, स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इन तीनों में से एक ऑप्शन, या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए में आप नारियल पानी ले सकते हो। जी आपने सब्जी लेनी है सिर्फ, या सलाद, या फिर एक कटोरी दलिया, ये इन तीनों में से एक ऑप्शन रखना है। और 9 बजे फिर अपना 1 ग्लास लो फैट मिल्क लेना है। नेक्स्ट वीक की फिर मैं एक और डाइट बताती हूँ कि आपने क्या खाना है। सुबह आपने लेना है गर्म पानी जीरे वाला, उसके साथ आपने ग्रीन टी लेनी है या तो, या फिर वो पानी लेना है, उसके साथ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, या फिर लहसुन लेना है कच्चा। और फिर 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है। 8 बजे फिर आपको लेना है ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला सब्जी डाल के, ठीक है, या पनीर सैंडविच या इडली सांभर, ये तीनों में से आपको एक चीज़ लेनी है। इडली काफ़ी अच्छी, अगर आप कहीं बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं या कोई ओकेशन है, आप डाइट पे हैं तो आपके लिए ये इडली सांभर तो हमेशा कहीं भी मिल जाता है, तो आप ये चीज़ डाइट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, काफ़ी हेल्थी है और अच्छी भी है, तो आप इसको ले सकते हो इडली सांभर को। फिर आपने 1 बाउल फ्रूट लेने हैं 2 घंटे बाद। फिर आपने लेना है खाने से 1 घंटे पहले आपने सलाद लेनी है, और 2 बजे आपने लेना है लंच में सिर्फ 1 बोल वेज रायता या फिर सब सब्जी, ये चीज़ लेनी है, रोटी नहीं लेनी इसके साथ, चपाती नहीं है, ठीक है। फिर शाम को आपने गर्म पानी लेना है, उसके बाद आपने लेना है नारियल पानी खाली। 8 बजे आपने डिनर में खानी है खाली खिचड़ी, खिचड़ी में खूब सारी सब्जियां होनी चाहिए, मूंग दाल की खिचड़ी होनी चाहिए, पीली वाली, छिलके वाली दाल नहीं लेनी रात में, खिचड़ी ले रहे हैं तो आप, ठीक है। 9 बजे फिर आपने 1 ग्लास दूध ले लेना है अपना और सोना है 1 घंटे बाद। फिर नेक्स्ट डे की डाइट बताती हूँ। 6 बजे आपने पानी लेना है, 6 बजे फिर आपने बादाम और अखरोट साथ में लेने हैं आपने, ठीक है। 7 से 8 आपने एक्सरसाइज करनी है। 8 बजे अपने ब्रेकफास्ट में चने दाल का पराठा लेना है, जैसे कि प्याज का पराठा होता है वैसे ही। 1 दिन पहले अपनी चने दाल को भिगो दीजिए, और मैंने उस दिन बताया था चने दाल के वड़े वैसे भी ले सकते हैं,
या मैंने जो पहले डाइट में बताया था स्प्राउट्स चीला ले सकते हो आप, या फिर जो चने होते हैं काले चने उनके आप स्प्राउट्स बन के उनके भी आप चीला बना सकते हो। तो जहाँ मैंने बताया था बेसन का चीला, उसके साथ ये चीले आप ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं। ये चीले बहुत हेल्दी हैं, बिल्कुल लो फैट होते हैं, नॉन स्टिक को बनाइए बिल्कुल हल्के से मक्खन में, बहुत टेस्टी बनते हैं। ठीक है, 11 बजे आपने फ्रूट्स लेने हैं, ज़रूर फ्रूट्स खाने हैं आपको। और 11 बजे अगर आपने 10 बजे फ्रूट्स खाए हैं तो 11-12 एक घंटे पहले फिर आपने फिर से सलाद खानी है अपने, कढ़ी चावल, पकौड़े नहीं लेने उसमें। 5 बजे नींबू पानी लेना है, 8 बजे आपने फिर अपना दलिया लेना है और मिक्स वेज रायता लेना है या फिर ओट्स लेने हैं, इन तीनों में से एक ऑप्शन रखना है। 9 बजे एक गिलास दूध लेना है, जो हफ्ते की हो जाएगी ये। तो सुबह पर गर्म पानी तो मस्ट है, मतलब उठते ही, अब से रूटीन डाल लीजिए, हमेशा आपने गर्म पानी पीना है, चाहे आपकी वेट लॉस कर रहे हो या वेट लॉस हो चुका है या आगे भी जब भी कंटिन्यू करना है तो आपने गर्म पानी लेना ही लेना है। फिर आपने लेने भीगे हुए बादाम और अखरोट, ये खाने हैं। एक्सरसाइज करनी है, ब्रेकफास्ट करना है, आपको गोभी का पराठा ले सकते हो आप या प्याज का पराठा भरा हुआ स्टफ, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, या पनीर का पराठा ले सकते हो आप स्टफ, 3 गोभी प्याज या पनीर, इन तीनों में से कोई ऑप्शन, आलू का पराठा नहीं खाना है। फिर आपने फल लेने हैं, ठीक है। लंच में आपने लेना है चने की सलाद, अगर भीगे हुए चने हैं उसमें प्याज टमाटर खीरा मूली जो भी आपके पास सब्जियां हैं आपको अच्छी लगती हैं वो डालिए, उसमें थोड़ी सी चटनी भी डाल सकते हैं, उसको ऐड करके उनके अच्छे से सैलड बना के वो लंच में लेनी है, रोटी नहीं लेनी उसके साथ। ग्रीन टी लेनी है, साथ में भुने हुए चना लेना है। और डिनर में आपने लेना है कोई सूप, टमाटर सूप या पालक सूप या कोई सा भी आपको अच्छा लगता है, मशरूम का सूप, जो भी आपको सूप अच्छा लगे, पर कोशिश करें उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी या मसाले ना हो, घर का हो, सिंपल हो, वो सूप लेना है आपने। और फिर रात को एक गिलास दूध लेना है। तो ये आपकी हो गई डाइट। तो गाइस कैसी लगी डाइट ज़रूर बताना, इसमें मैंने थोड़ा आगे पीछे करके बताया है, कुछ चीज़ों में मैं थोड़ा लिखने में मैंने ऐसे कर दिया है, मैं फटाफट लिख रही थी, याद कर रही थी। तो मतलब अपने हिसाब से आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे मीन्स अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट में जैसे चीला ज़्यादा हैवी हो गया या पराठा सुबह ले लिया, तो लंच में कोशिश करिए सलाद ले लीजिए या फिर हल्के वेज रायता ले लीजिए, ऐसे करके लेना है, ठीक है। और इसी तरह अपनी डाइट को कंटिन्यू करना है। अब आगे मैं बताती हूँ डाइट को मेंटेन कैसे करना है। आपने हमेशा गर्म पानी लेना है, हमेशा आपने एक्सरसाइज करनी है, और आपने जैसे अभी मैं कुछ भी खाती हूँ नॉर्मल खाने पे आ गई हूँ, तो ग्रीन टी मेरी हमेशा रहती है, वॉक मेरी हमेशा रहती है, ठीक है। और हमने ज़्यादा खा लिया है तो रात को आप अपना खाना कम कर दीजिए, सिर्फ आपकी मेंटेन डाइट के लिए यही रहता है कि नॉर्मल खाना पे आ जाइए। चपाती जैसे नॉर्मल 2 या 3 नहीं खानी, सिर्फ 1 चपाती पे रहती हूँ मैं अभी, सब्जी ज़्यादा लेती हूँ, सलाद ज़्यादा खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ। तो इस डाइट को करके आपको खुद ही अपनी बॉडी ऐसे हैबिचुअल हो जाएगी, कभी मैंने ज़्यादा खा लिया जैसे कभी समोसे खा लिए, जलेबी खा ली, तो मैं रात को बिल्कुल कुछ नहीं खाती हूँ, ग्रीन टी ले लेती हूँ, उसके बाद रात को सिर्फ सिंपल एक ग्लास दूध लेती हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही फिर मेरी डाइट होती है स्टार्ट, मतलब खाना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपनी डाइट को कंटिन्यू करें।